नमस्कार, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर सीरीज में। हम भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित दो वीडियो में प्रश्नों को देखने वाले थे, जिसमें पहले वीडियो में हमने भारतीय दर्शन से संबंधित सारे प्रश्नों को देखा था, और आज जो है उसी का पार्ट टू हम देख रहे हैं। और कला और संस्कृति से संबंधित अदर जो क्वेश्चन होते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, तो प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है। सही कथनों को हमको यहाँ पर छांटना है, और आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन जो है हमने लिया है। पहले तो कुवतुल इस्लाम के बारे में बात हो रही है, मस्जिद के बारे में, दूसरा बात हो रही है कुतुब मीनार के बारे में, और तीसरी जो बात कर रहा है सुल्तान इगड़ी मकबरे के बारे में बात हो रही है। तो यह तीनों जो है निर्माण कार्य है, और निर्माण कार्य दिख रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों से संबंधित यह प्रश्न हमको दिख रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गौरी का गुलाम था। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित की गई थी। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। भारत में निर्मित पहला इस्लामिक जो है इमारत जो है, पहला इस्लामिक इमारत या फिर मस्जिद जो है, वह कुवत उल इस्लाम है। दिल्ली में इसका निर्माण करवाया गया था, और बाद में, और इसका निर्माण करने वाला कौन था, तो ऐबक ने ही इसका निर्माण किया था। और बाद में गुलामों का गुलाम मतलब इल्तुतमिश ने भी इसका विस्तार किया, और फिर आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुवत उल इस्लाम का विस्तार किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुवत इस्लाम ऐबक ने बनवाया। अगली बात होगा, उसके बाद ऐबक का एक और बहुत इंपॉर्टेंट निर्माण कार्य था, जो था आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी, लेकिन निर्माण कार्य की शुरुआत मतलब पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बख्तियार काकी के नाम पर इसने बनवाई थी। इसको प्रेरणा मिली थी अफगान में जाम की मीनार है, वहां से इसको प्रेरणा मिली थी। 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है कुतुब मीनार को, जिसका निर्माण कार्य की शुरुआत ऐबक ने करवाया। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने दूसरी से चौथी मंजिल मतलब आगे की जो मंजिलें निर्माण करने का काम, यह इल्तुतमिश ने करवाया था। मतलब पूरा किसने करवाया था, तो यह काम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और उसके बाद जब बिजली गिर जाती है, कहा जाता है कि बिजली गिर गई थी और चौथी इमारत जो है वह ध्वस्त हो गई थी, तब जाके पुनर्निर्माण चौथी और पांचवी मंजिल का फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इस तरीके से ये कुतुब मीनार की कहानी हुई, जिसमें कुल पांच मंजिलें हमको दिखाई देती हैं, और बिजली गिरने पर इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का दो मंजिलों को फिर से बनवाया था। तो नहीं, फिर से बनाने वाला कौन था, वह था फिरोज शाह तुगलक। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, सुल्तानी गढ़ी का जो मकबरा है वह पहला इस्लामिक निर्मित मकबरा था। तो यह तो मकबरा किसका था, पहले तो यह देखिए, यह मकबरा था इल्तुतमिश के बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद का। यह मकबरा 1231 में यह मकबरा बना हुआ था। तो यह जो मकबरा है, मकबरा पहला इस्लामिक निर्मित मकबरा है, यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। ओके, सो यहां से हमने देखा। अब हमको बताने थे सिर्फ सही वाले स्टेटमेंट कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर हो जाएगा इस उत्तर का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 ही खाली सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और देख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों की बात हो रही, तो एक और निर्माण कार्य इनके थे, 2.5 दिन का झोपड़ा। जब मोहम्मद गौरी का तराइन का दूसरा युद्ध लड़ रहे थे, और जब गौरी वर्सेस चौहान युद्ध हो रहा था, तब गौरी ने आक्रमण किया था इनकी राजधानी पे, चौहान साहब की राजधानी यानी कि तारागढ़ के किले में आक्रमण किया था और परास्त किया था चौहान साहब। यहीं पर आपको एक संस्कृत महाविद्यालय देखने को मिला था। इसी संस्कृत महाविद्यालय को तोड़वाकर गौरी के आदेश पर ऐबक ने यहां पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनाया था। यह जो किला है, यह आपको अजमेर में देखने को मिलता है, अजमेर का किला है, तारागढ़ का किला। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक इंपॉर्टेंट निर्माण कार्य था। किसका, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऐसा प्रश्न भी आपको मिल सकता है। तो चलो अब देखते हैं आगे का प्रश्न। तो ये है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा इसको देखते हैं। परचिनकारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूनिक पित्रादुरा स्टाइल, इसको पित्रादुरा स्टाइल भी कहा जाता है। तो पहले तो ये समझिए पित्रादुरा स्टाइल होता क्या है। सफेद संगमरमर में नक्काशी की जाती है, इसमें बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता है, लाल पीले हरे ऐसे पत्थरों का उपयोग करके बेहद सुंदर आकृति सजाया जाता है उन संगमरमरों को, इसी को आप पित्रादुरा स्टाइल कहते हो। और पित्रादुरा स्टाइल का जो सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले जो उपयोग किया गया इस स्टाइल का, परचिनकारी भी कहते हैं, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा वाला, नूर जहां के पिताजी एतमादुल्ला की उपाधि मिर्जा गयास पे। तो याद रखना कि सबसे पहला उपयोग जो पित्रादुरा का स्टाइल का किया गया था, वो कहां पर किया गया था, तो वो एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया था।
तो दिखाते हैं एतमादुल्ला का मकबरा, देखते हैं क्या था। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं। तो ये आपके सामने दिख रहा है, ये है एतमादुल्ला का मकबरा जो कि आगरा में है। इसको नूरजहां ने बनवाया था। यहां पर सबसे पहले पीतरा दूरा स्टाइल का उपयोग किया गया था। मैं आपको दिखा दूं ये वाला स्टाइल। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये स्टाइल है आपका पीतरा दूरा स्टाइल, पीतरा दूरा है। यहां पर हमको इस तरीके के गुंबद भी देखने को मिल जाते हैं, ये गुंबद है। और साथ में आप जो ये आकृति देख रहे हैं ये मेहराब वाली भी आकृति हमको देखने को मिल जाती। तो इसका जो सबसे ज्यादा प्रचलन हुआ, मतलब पीतरा दूरा स्टाइल सबसे ज्यादा अगर कहीं पर फेमस हुआ तो वह हुआ था शाहजहां के काल। इसीलिए मैक्सिमम इसका उपयोग आपको ताजमहल में देखने को मिलता है। इतना जानने के बाद हम देखते हैं स्टेटमेंट। कई भिन्न रंगीन पत्थरों का उपयोग किया जाता है, संगमरमर भी होता है, बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया जाता है। आप देख चुके हैं कि उसी को पीतरा दूरा कहते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। मोती मस्जिद में बड़े पैमाने पर पीतरा दूरा स्टाइल का उपयोग किया गया है। जबकि बड़े पैमाने पर अगर उपयोग की बात होगी तो आंसर लगेगा आपका ताजमहल, लेकिन सबसे पहले एतमादुल्ला। लेकिन मोती मस्जिद में तो बहुत कम पैमाने पर किया गया है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। आपको बताने थे बिल्कुल सही वाले स्टेटमेंट, तो सही जो है वो सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। सो आंसर इज ए, और हमने बात कर ली पीतरा दूरा स्टाइल। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला प्रश्न है, नस्तलीक के बारे में कौन सा कथन सही है? नस्तलीक एक प्रकार का फारसी सुलेख है, और दूसरा लंबे क्षैतिज स्ट्रोक्स के साथ यह एक द्रव्य शैली है। नस्तलीक क्या है? तो नस्तलीक एक प्रकार की लिपि है, यह इस्लामिक कैलियोग्राफी है। इसका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। मतलब फारसी और अरबी लिपि होती है ना, उसी का एक रूप है नस्तलीक लिपि। तो इसका संबंध फारसी और अरबी लिपि से है, जैसे कि शीर्षक लिखने के लिए इसका उपयोग होता था। उर्दू नस्तलीक लिपि में ही लिखी जाती है। अकबर की सबसे ज्यादा फेवरेट होती थी यह नस्तलीक वाली लिपि। तो पहला जो स्टेटमेंट है एक प्रकार का फारसी सुलेख है, तो यह बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि मैं बता चुका हूं अरबी फारसी लिपि का ही वहीं से निकला है। तो यह एक फारसी सुलेख है, याद रखना, ईरान में 14वीं-15वीं शताब्दी में जन्म हुआ। एक फोटो देखते हैं इसके बारे में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा नस्तलीक क्या है। तो ये पिक्चर जो है आपको दिख रही है, ताजमहल है और यहाँ पर एक मकबरा है, और इस मकबरे में आप यहाँ पर देख सकते हो नस्तलीक लिपि का यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो नस्तलीक स्ट्रोक्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, मकबरा है ये, एक पर्शियन का मकबरा है न ताजमहल का, ये पिक हम आपको दिखा रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं क्या पूछा गए हैं, किस तरीके के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। पहला तो हम पहले ही देख चुके थे कि यह एक प्रकार का फारसी सुलेख है, यह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लंबे क्षैतिज स्ट्रोक्स के साथ यह एक द्रव्य शैली है, यह भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। नस्तलीक का अद्भुत समायोजन आपको ताजमहल में देखने को मिलता है, याद रखना अकबर का फेवरेट था। मतलब जो अक्षर है वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं कि वह एक आकृति जैसा हमको दिखाई देता है, यह बात आप पिक में अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट में। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछ रहा है कि चार मीनार का निर्माण कब किया गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मीनार है कहाँ पे? तो याद रखना हैदराबाद में है। हैदराबाद में मतलब राज्य पूछा जा सकता है, तो राज्य आपको लगाना है तेलंगाना। ठीक है, तो राज्य जो है वो तेलंगाना हो जाएगा। और उसके बाद इसका निर्माण हुआ था 1591 में इसका निर्माण करवाया गया था, जबकि 1582 में दीन ए इलाही है, अकबर से संबंधित है। 1582 याद रख लेना, दीन ए इलाही धर्म यहां पर अकबर ने चलाया था। 1575 यह भी अकबर की मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी, तो यह भी अकबर से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईयर। और 1564 में आपको पता है कि जजिया अकबर ने समाप्त किया था, तो ये बाकी सारे ईयर जो है वो अकबर संबंधित है। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है चार मीनार कब बनाए थे, तो वो हम 1591 में बनाए। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न, भगवत गीता का एक मराठी भाष्य किसने लिखा था? मतलब भगवत गीता को फिर से मराठी भाषा में किसने लिखा था? तो यह लिखने वाले थे महाराष्ट्र के एक संत कवि जिन्हें जाना जाता है ज्ञानेश्वर के नाम से। ज्ञानेश्वर ने महाराष्ट्र में भक्ति का उपदेश दिया, इन्होंने भगवत गीता को फिर से मराठी भाषा में लिखा, और श्रीमद् भगवत गीता का सर्वप्रथम भावार्थ रचना करने वाले कौन हैं? तो वह हैं ज्ञानेश्वर, है ना। इनकी भावार्थ रचना की है, इसीलिए इसको भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। मतलब इनकी जो रचना है वो नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है, भावार्थ दीपिका।
या फिर क्योंकि ज्ञानेश्वर ने लिखा है इसीलिए इसको ज्ञानेश्वरी भी कहा जा सकता है। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं, अगर दोनों पूछा तो आंसर हमेशा क्या लगेगा, ज्ञानेश्वर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो ये है अगला प्रश्न। चार बाग शैली पर आधारित पहला मकबरा किसका है? चार बाग शैली, जहां पर नाम बाग का आ गया तो बाबर याद आना चाहिए, क्योंकि बाबर को बागों का बहुत शौक था और बाग ही बाबर में उसको दफनाया गया। तो जाहिर सी बात है चार बाग शैली की बात हो रही है तो पहला मकबरा किसका होगा? पहला मकबरा बाबर का ही होगा, लेकिन इसीलिए एग्जाम में बाबर ऑप्शन में नहीं रहता है, और इसीलिए एग्जाम में आपको बाबर में देखने मतलब चार बाग शैली में ऑप्शन देखने को मिलेगा हुमायूं। तो अगर बाबर नहीं है तो आप हुमायूं भी ऑप्शन में ले सकते हो, लेकिन हाँ पहला मकबरा जो है वह तो बाबर का ही बना था, और हुमायूं एक ऐसा इसका मकबरा था जहां इसके अतिरिक्त 6 अन्य शासकों के भी मकबरे यहां पर बनाए गए थे। तो काफी सुंदर है हुमायूं का मकबरा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं अगला प्रश्न। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्यशास्त्र में संगीत के 9 रस हमको देखने को मिलते हैं, और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लेकिन 8 रसों का जिक्र किया है। तो कौन हुए इसके लेखक? भरत मुनि इसके लेखक हुए, 9वें रस का तो अभिनव गुप्त ने बताया था। खैर इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा लेखक पूछे जाते हैं तो भरत मुनि इसके लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो ये भारत के राष्ट्रकवि भी कहे जाते हैं, और इनकी जो रचना एग्जाम में पूछी जाती है वह रचना हो जाएगी साकेत। साकेत रचना के लिए मैथिली शरण गुप्त है। सुमित्रा नंदन पंत की एक रचना है ये चिदंबरा, इनकी इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है चिदंबरा, इसके लिए इनको जाना जाता है। और इंशा अल्लाह खान जो है रानी कैटकी की कहानी लिखी थी, किसने? तो इंशा अल्लाह खान ने लिखी थी। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इस प्रश्न का जो असली उत्तर है वह है आपका भरत मुनि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अजंता के चित्रण क्या दर्शाते हैं? अजंता गुफाओं की यहां पर बात हो रही है, अजंता के वहां पर चित्रण जो है वो क्या दर्शाते हैं? तो अजंता गुफाएं पहले तो औरंगाबाद में है, मतलब महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में गुफाएं पड़ती हैं। यहां पर शिलाओं को काटकर 30 बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है, और वहां पर चित्रकारी की गई है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब दूसरी बात यहां पर यह क्लियर हो जाती है, और तीसरी बात यहां पर यह क्लियर हो जाती है, यहां पर जातक से संबंधित जो जातक कहानियां थी, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कहानियां थी, वो जातक कहानियों का यहां पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न है क्या दर्शाते हैं? तो वो जो पत्थर है शिलाओं पर काट कर जो चित्रकारी की गई है वह जो है दर्शाते हैं जातक को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दिख रहा है भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी जो है वह कहां विकसित हुई है? लघु चित्रकारी मतलब ये बात कर रहा है मिनिएचर की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले तो बात करें विकसित कहां हुई पूछा है, तो मिनिएचर जो शब्द है वह मिनियम से बना है, मिनियम, और इसका जो अर्थ होता है यह एक लैटिन शब्द है, और इसका अर्थ होता है लाल रंग का शीशा, लाल रंग का शीशा, इसका अर्थ लैटिन भाषा में यह होता है, और मिनिएचर का मतलब होता है लघु। तो इस रंग का उपयोग पुनर्जागरण काल के दौरान पांडुलिपियों में किया जाता था। अब बात करते हैं कि इसका जो विकसित कहां हुई है, तो सबसे पहले तो मुगल काल के दौरान ये काफी विकसित हुई, अकबर के काल के दौरान ये काफी विकसित हुई थी, और मुगल पेंटिंग्स तक कहा जाता था मिनिएचर्स को, इतना विकसित हो चुका था। लेकिन बाद में राजस्थान में डेवलप हुआ और अलग अलग स्कूल्स इनके बनने लगे, जैसे कि किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, इस तरीके से अलग अलग इनके स्कूल्स बनने लगे, लेकिन ये सब उसी से संबंधित है। लेकिन यहां पर पूछा है सबसे पहले कहां, क्योंकि विकसित हुई मतलब सबसे पहले कहां, तो सबसे पहले यानी कि इस प्रश्न का उत्तर बनता है किशनगढ़ शैली। चलिए अगला प्रश्न, तो यह है अगला प्रश्न। दिल्ली के 7 महलों का शहर कौन सा इनमें से शामिल नहीं? तो ऐतिहासिक अभिलेखन के अनुसार दिल्ली में 7 नगर थे, और प्राचीन दिल्ली में कौन कौन से 7 नगर थे, वह 7 नगरों पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं इनमें से कौन सा शामिल नहीं। सबसे पहले तो किला राय पिथौरा, या जिसको आप कहते हैं लाल कोट, उसके बाद सिरी के बाद तुगलकाबाद, फिर याद रखना जहांपनाह, फिर है आपका फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद, और अंत में आता है शेरगढ़। तो इस तरीके से कितने शहर हुए, तो मैंने बोला लालकोट या किला राय पिथौरा, उसके बाद है सिरी के बाद तुगलकाबाद, तुगलकाबाद के बाद है जहांपनाह, फिर है फिरोजाबाद, उसके बाद है शाहजहांबाद, और उसके बाद अगला जो लास्ट में रहेगा यह है आपका शेरगढ़। तो कितने शहर हुए, टोटल 7 शहर हुए, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तुगलकाबाद, शाहजहांबाद, फिरोजाबाद है, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर है वह लग जाएगा कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा,
बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहता है अगला प्रश्न, वल्लमकली कौन सा खेल है? अगला प्रश्न कहता है कि वल्लमकली कौन सा खेल है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट फोटो दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह जो स्पोर्ट्स है ये है वल्लमकली। तो देखने से समझ में आ रहा है ये और कोई नहीं, यह एक बोट रेस है जिसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। कहां होती है यह वाली रेस? तो यह रेस होती है केरल में। केरल का यह बहुत फेमस बोट रेस है जो पुन्नमर झील में आयोजित किया जाता है और हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को बोट रेस का आयोजन किया जाता है। सर्प नाका दौड़ स्नेक बोट रेस इसको कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में याद रखते हैं। अब संभालते हैं क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कौन सा खेल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर्प नाका। यह एक स्नेक बोट रेस है, हर साल बारिश के मौसम में इसको आयोजित किया जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, नेहरू ट्रॉफी आयोजन का नाम रहता है। ओके, सो कहां आयोजित किया जाता है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, उड़ीसा में प्रचलित छऊ कला क्या है? छऊ कला, छऊ शब्द का मतलब होता है छाया, मतलब परछाई। और इसमें यह याद रखना छऊ में कि यह जो है मुखौटा नृत्य का ही एक प्रकार है, मतलब पौराणिक कथाओं का वर्णन करने के लिए इसमें युद्ध संबंधी संचालनों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यह जो नृत्य है युद्ध से भी रिलेटेड होगा। तो अब समझ में हमको आसानी से आ गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा युद्ध कला नृत्य। छऊ जो है उसके तीन कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी, एक उड़ीसा में मिलता है, एक वेस्ट बंगाल में मिलता है और एक झारखंड में मिलता है। तो यहां पर उड़ीसा वाले की बात की गई है। ये मयूरभंज छऊ कहलाता है और इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन सी शैली? तो उड़ीसा की मयूरभंज शैली। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तो यह उड़ीसा का प्रचलित छऊ कला क्या है? तो वह एक युद्ध कला नृत्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप के लोगों में कौन सी भाषा बोली जाती है? लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो अगर हमको नहीं भी पता हो तो हम कैसे सोच सकते हैं? लक्षद्वीप मतलब केरल के पास वाला यह एक आइलैंड है, तो केरल की भाषा हमको पता है मलयालम है। तो हम गेस कर सकते हैं कि लक्षद्वीप के लोग भी जाहिर है क्या बोलते होंगे? मलयालम बोलते होंगे। ठीक है, तो ये इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बहुत सीधा सा प्रश्न है, राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान में आयोजित किया जाता है, अजमेर में। और ऊँटों का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है, कैमल फेयर भी यहाँ पर आयोजित किया जाता है और बहुत सारे अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। कौन से मेले में? तो याद रखना पुष्कर मेले में। और कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में, यानी कि अजमेर। अगला प्रश्न, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को किस शहर को गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया था? पांडवों ने गुरु दक्षिणा दी थी गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उनके गुरु थे और युद्ध विद्या उन्होंने सिखाई थी कौरवों को भी और पांडवों को भी। तो यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है रावलपिंडी, नैनीताल, हस्तिनापुर और गुड़गांव। तो नाम से ही देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गुरुग्राम होना चाहिए, या फिर इसी को गुरुग्राम भी कहा जाता है। हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गुड़गांव। वेरी नाइस क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या फिर केरल में है? तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसके लिए यह जो है शिव का विरूपाक्ष रूप यहाँ पर देखने को मिलता है और यह स्थित है, राज्य पूछा है इसलिए यह कर्नाटक में स्थित है। जबकि अगर यहाँ पर विरूपाक्ष की जगह मान लो नटराज मंदिर दिया होता तो तमिलनाडु में आपको मिलेगा नटराज मंदिर। नटराज मंदिर कहाँ पर है? तो वह तमिलनाडु में है। और याद रखना एक और मंदिर एग्जाम में बहुत पूछा जा सकता है, मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में है और यह पल्लव वंश से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वह है विरूपाक्ष मंदिर इन कर्नाटक। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा तमिलनाडु का नहीं है, ये तो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा, वहां पर काफी फेमस है। दूसरा ओणम, ओणम भी तमिलनाडु का नहीं है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। बिहू, बिहू केरल में नहीं, ये तो असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ का त्यौहार है? असम का। और फाइनली यस, पोंगल जो है यह तमिलनाडु का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार दिख रहा है। तो तमिलनाडु में और भी त्योहारों की बात करते हैं, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट है याद रखना तमिलनाडु के त्यौहार PJCA याद रखिएगा। ये हो गया आपका पोंगल, ये हो गया जलीकट्टू, जलीकट्टू भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद दिख रहा है चिथी राय, चिथी राय बोला जाता है। और आदि पेरक्कू, आदि पेरक्कू ये भी त्योहार किसका है? तमिलनाडु का है। तो कोई भी पूछा जा सकता है, याद रखना चिथी राय और आदि पेरक्कू ये सारों त्योहार किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। सो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है पोंगल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है,
चित्रकला के क्षेत्र में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? परवीन सुल्ताना, प्रोफेसर टी एन कृष्णन, राम किंकर या राजा रवि शर्मा? तो सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, राजा रवि शर्मा जो है वह चित्रकला से संबंधित है। राजा रवि शर्मा की बात हो रही है। इनके बारे में और भी बातें कर ले तो याद रखना केरल राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से आते हैं? तो केरल राज्य से संबंधित है। इनके कला कौशल की वजह से इनको पूर्व का राफेल, राफेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। राफेल ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा रवि शर्मा को। इनके जो मेन काम है वो है लेडी इन द मूनलाइट, मदर इंडिया, इनके लिए भी प्रसिद्ध थे। और स्पेशली जो इन्होंने काम किया है वो रामायण महाकाव्य पर आधारित इन्होंने जो चित्रकलाएं बनाई थी उसके लिए स्पेशली जाने जाते हैं। और मेन इनको रावण द्वारा सीता का हरण पर जो इन्होंने चित्रकला बनाई थी उसके लिए जाना जाता है। तो याद रखना इन पर अभी अभी एक मूवी आई है जिसका नाम था रंग रसिया। दैट्स ऑल अबाउट राजा रवि शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राजा रवि शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर का नाम आ गया, मतलब ये स्थित है आपका दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के पहले भी यह गुजरात में भी स्थित है। याद रखना द्वारका गुजरात में भी एक अक्षरधाम मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली ऑप्शन में नहीं था इसलिए द्वारका गुजरात। नेक्स्ट, तो ये रहा अगला प्रश्न, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था और इसी मंदिर को आप राज सिंह देवेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि नरसिंह वर्मन सेकंड का अन्य नाम आपको देखने को मिलता है राज सिंह, इसीलिए इसका नाम पड़ा राज सिंह देवेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। साथ में एक और मंदिर बनाया था ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर यह भी किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, लोटिया लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लोटिया लोक संगीत जो है वह राजस्थान राज्य से संबंधित है। याद कर लीजिएगा राजस्थान से संबंधित है कौन सा, तो वह है लोटिया लोक संगीत। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस को देखने की कोशिश की जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आएगा। सो तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।